आपको इस विषय में बता देता हूँ। देखो सामग्री भिजवा रखी है, देखो सामग्री को प्राप्त करने के लिए पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, है ना। सामग्री कहीं की? सामग्री में बचा देता हूँ बेटा, देखो पूजन पाठ करके कुछ सामग्री भेजी हुई है, वो सामग्री को प्राप्त करवाना है। अब जब तक देखो बात नहीं होगा तो सामग्री कैसे प्राप्त करोगे आप लोग? आपके पिताजी से भी यही बात हुई, आपके पिताजी ने भी बोला कि जो है नंबर बंद है। किस चीज की पूजा पाठ हो रही है सर? देखो बेटा वो आप अपने भाई से पूछेगा, देखो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इस विषय में, आप अपने भाई से पूछेंगे, अगर वो बताना चाहेंगे तो वो बता देंगे आपको। पूजा पाठ तो क्या किस चीज की है मतलब? देखो मैं पूछ रहा हूँ, देखो वो आप जो अपने भाई से पूछेंगे वो आपको बता देगा, मना नहीं करेगा, है ना। लेकिन देखो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको इस विषय में। तो इसका क्या आपको पेमेंट देना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखो क्या कितना पेमेंट है मैं बता देता हूँ। देखो इसमें 4,100 रुपए का दान बताया था केवल ब्राह्मणों के भोग का, बाकी कोई पूजन पाठ का मैंने खर्चा नहीं बताया था उसको। तो हम तो सब नास्तिक आदमी है, हम तो किसी देवी देवता को नहीं मानते, इसने कैसे पूजा पाठ के सामान मंगवा लिए? बेटा देखो अब तो वो उसकी श्रद्धा है, अब उसने श्रद्धा भाव से जो कार्य कराया है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं नहीं हम तो किसी को दान दक्षिणा देते ही नहीं है किसी को। बेटा आप नहीं देते हैं, लेकिन अगर उसने कोई कार्य कराया है तो वो अपने ऊपर कराया है ना उससे। तो वो तो क्या बच्चा है ना, वो नहीं समझता ना अभी तक। नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, देखो कार्य जो होता है वो विश्वास के ऊपर होता है ना। कोई भी कार्य देखो ऐसे तो नहीं किया जाता कि देखो जबरदस्ती कोई कार्य कर दिया जाता है ना। आपसे पूछा जाता है, बात की जाती है, सारी जानकारी ली जाती है, तब जाकर के कार्य किया जाता है, केवल विश्वास के ऊपर, है ना। देखो ना इसका अपमान हम कर सकते हैं ना आपको करना चाहिए इसका अपमान, है ना, वो वाली नहीं। हम तो अपमान नहीं कर रहे ना, हम तो नास्तिक आदमी, हम कहीं कैसे अपमान कर रहे हैं? हम ना तो किसी ब्राह्मण को हम एक देला नहीं देना चाहते। देखिए वही मैं आपको इसमें कहना चाहता हूँ, अगर देखो कोई कार्य नहीं करना हो तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं सर, हम ब्राह्मणों से हम दूर रहते हैं, ब्राह्मणों ने देश का विनाश कर रखा है सर, ये जाति पाति में बांट के रहता है ना सर, ब्राह्मणों ने सारा देश का नाश कर रखा है सर। और ये पाखंडवाद फैला के इधर पूजा करवाते हैं, इधर पूजा करवाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और दूसरे के बच्चे ना भूखे मरते हैं। तो सर इन चीजों से है ना, इन चीजों से हम दूर रहते हैं बिल्कुल। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? आप ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण से बात कर रहे हैं और उसी का अपमान कर रहे हैं? हाँ उसमें क्या दिक्कत हो गई सर? आप लोग भी तो इतने सालों से अपमान ही तो कर रहे हैं, और क्या करते हैं आप? जाति पाति में बांट रखा है आप लोगों ने। सुनिए सुनिए आप मुझे केवल इस बात का उत्तर दे दीजिए कि जो सामग्री मैंने पूजन पाठ किया आपको। नहीं नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, पाखंड बाद में हम लीन नहीं है हम बिल्कुल। आप अपमान कर रहे हो उसका? नहीं 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 चाहिए कोई भी सामग्री। सुनिए आपके परिवार का सर्वनाश कर दूंगा इतना बच्चा। अरे कर देना, सर्वनाश करोगे तुम्हारी। हेलो हेलो, सर्वनाश ही करना अब। हेलो हाँ कौन बात कर रहे हैं? सर्वनाश करना मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके पिताजी से मैं इस विषय में बता रहा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से, तू ब्राह्मण है ना, तू सर्वनाश करना, तेरे से कह रहा हूँ, चैलेंज कह रहा हूँ ना मैं, तू बाड़ी उखाड़ देना। चलिए आप देख लीजिए तेरे जू